पटाखों से जल गया है नोट, दिवाली पर पटाखों से जल गया है नोट, ऐसे बदल सकते हैं, जानिए क्या है इसके नियम। नमस्कार आप देख रहे हैं रूबरू बिहार और मैं हूँ आपके साथ नेहा। आज हम बात करेंगे फटे और जले नोटों के बारे में। क्या दिवाली के दिन आपका भी नोट जल गया है और आपके मन में कन्फ्यूजन है कि इन्हें कहाँ और कैसे बदला जाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें कहाँ बदलवा सकते हैं इसके बारे में आज हमको इसे कहाँ बदलवा सकते हैं इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। बता दें कि आप 10 रुपये से ज़्यादा के जले या कटे नोट को आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एक बार में बैंक केवल 20 नोट ही बदल सकता है। तो अगर आपके पास भी ऐसे नोट हैं तो बिना देरी किए नज़दीकी बैंक या RBI ऑफिस जाएं। नोटों की कुल कीमत 5000 या फिर उससे कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर बैंक आपसे नोट बदलने का शुल्क भी ले सकता है। अब ये जान लेते हैं कि कितना प्रतिशत नोट जला होगा तो बदल सकते हैं। बता दें कि अगर नोट का 50% से ज़्यादा हिस्सा डैमेज है या जल गया है तो बैंक आपको नोट बदलने से मना कर सकता है। इसके अलावा अगर नोट सीलन से चिपक गया है और इसके नंबर या महात्मा गांधी जी की तस्वीर भी प्रभावित हो गई है तो ऐसी स्थिति में भी आपके नोट का बदलना मुश्किल हो सकता है। अगर बैंक आपके नोट बदलने से इनकार करता है और आपको लगता है कि ये गलत है तो आप इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी फटे और जले नोटों को बदलवाने के बारे में। अगर आपके पास ऐसे नोट हैं तो सुनिश्चित करें कि आप जल्दी से बैंक या RBI ऑफिस जाएं। याद रखें नोट का नुकसान 50% से कम होना चाहिए, नहीं तो बैंक इसे बदलने से मना कर सकता है। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप रूबरू बिहार देखते रहिए। नमस्कार।